नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। कुछ समय पहले सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई सारे फोटोज को शेयर किया था और बताया था कि वो आनंद आहूजा के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती हैं। फोटोज में सोनम ने कैप्शन दिया था, मेरे पति करवा चौथ के फैन नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उपवास केवल रुक रुक कर होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे कभी भी नहीं रखा। लेकिन हम दोनों को विश्वास है कि त्योहार और परंपराएं परिवार और दोस्तों के साथ आने का एक अच्छा बहाना है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ को इसका जश्न मनाना पसंद है और मुझे इसका हिस्सा बनना और तैयार होना पसंद है। बिग बॉस टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो है। हर साल इसमें कुछ ना कुछ नए धमाके होते रहते हैं जो कि विवादों में आ जाते हैं। ये शो इन दिनों एक ओर अबू रोजे की क्यूटनेस को लेकर चर्चा में बना हुआ है तो दूसरी तरफ साजिद खान को लेकर शो सुर्खियों में है। शो में जब से साजिद खान की एंट्री हुई है तब से कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करी है। शर्लिन चोपड़ा से लेकर सोना मोहपात्रा, उर्फी जावेद, करिश्मा सोनी, देवोलीना भट्टाचार्य, कौहर खान, सलोनी चोपड़ा और मंदाना करीमी समेत कई अभिनेत्रियों ने साजिद खान को शो से बाहर निकालने की मांग रखी है। इसी बीच बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत साजिद के समर्थन में खड़ी हुई हैं। राखी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी मैं अकेले साजिद खान का सपोर्ट करूंगी, क्योंकि 4 साल से अभी तक उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। 4 साल से उनका करियर तबाह हो गया है, उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं करी है, वो डिप्रेशन में थे। राखी सावंत ने आगे कहा कि अगर वो कसूरवार हैं तो कोर्ट उन्हें आरोपी ठहराता है तो मैं भी चप्पल लेकर खड़ी हूं, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लड़कियों ने साजिद पर आरोप लगाए हैं आप उनका बैकग्राउंड देखिए, फिल्म पाने के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं। एक्ट्रेस नरगिस फाखरी बॉलीवुड की से नाखुश हैं। नरगिस का कहना है कि बॉलीवुड में उन्हें निराशा मिली है। इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में नरगिस रणबीर कपूर के साथ नजर आई थी, इसके बाद वो मद्रास कैफे, मैं तेरा हीरो, अजहर और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में नरगिस ने बताया कि उन्हें नासमझ कहा जाता था क्योंकि वो हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। नरगिस ने कहा कि इस अनुभव से वो तंग आ चुकी हैं और उन्हें इस फेम और तारीफों की आदत भी नहीं है। नरगिस ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि उस नए माहौल में कैसे पैंतरेबाजी होती है। मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर ईमानदार थी, मुझसे कहा जाता था कि भले ही मैं किसी के साथ सहज महसूस ना करूं लेकिन मुझे उनसे बात करनी होगी जो मुझसे नहीं होती थी, इसीलिए मुझे इमैच्योर कहा जाता था। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अक्सर अपने लिंकअप की खबरों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि दोनों लवबर्ड्स अगले साल अप्रैल में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन अब खबरों पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने चुप्पी तोड़ी है। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर मेरी शादी हुई तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा कि मैं इसे सीक्रेट रख पाऊं, ये कहीं ना कहीं बाहर निकल ही आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।